अपनी उम्र के 92 साल पूरा कर चुका कोई अरबपति अमेरिका के एक सार्वजनिक मंच से जब अखंड भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाला कोई बयान देगा तो जरा सोचिए कि क्या उसकी आरती उतारी जाएगी। कतई नहीं, बल्कि पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत होगी, उसे करारा जवाब मिलेगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे निजी समूह हैं जिनका कारोबार कई अरबों रुपयों का है। उन्हीं में से एक अडानी समूह भी है जिसके शेयरों में अचानक आई जबरदस्त गिरावट ने स्टॉक एक्सचेंज में भारी उथल पुथल मचा रखी थी। व्यापार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव लाजमी है ऐसा माना जाता है, लेकिन देश के अंदरूनी मामले में किसी भी विदेशी व्यक्ति को बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। और उल जलूल बयान देकर जॉर्ज सोरोस ने भी यही गलती कर दी। 92 साल के जॉर्ज सोरोस अमेरिका की मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी सोरोस फंड मैनेजमेंट LLC के फाउंडर हैं, जिसकी कुल नेटवर्थ 8.5 बिलियन US डॉलर यानी 70,410 करोड़ रुपए है। जॉर्ज सोरोस की ताकत उनका पैसा नहीं बल्कि उनका NGO है, जिसकी मदद से वो पहले भी बहुत सारे देशों को अस्थिर कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जॉर्ज सोरोस के निशाने पर भारत है। जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 60 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। बुद्धिजीवियों और मीडिया नेटवर्क के अलावा जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भारत में बड़ी संख्या में संगठनों को फंड मुहैया करवाया है। 2016 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भारत सरकार द्वारा निगरानी सूची में रखे जाने से उसे एक बड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन उसकी हरकतें कम नहीं हुई। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस के NGO कनेक्शन PFI जैसे इस्लामिक कट्टर संगठन, अर्बन नक्सल, क्रिश्चियन मिशनरी, बुद्धिजीवी और पत्रकारों से हैं, जिन्हें भारत का लोकतंत्र हमेशा खतरे में ही दिखाई देता है। इस प्रोपेगेंडा टीम की नियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में था तो भारत में बनी कोविड वैक्सीन पर इन्हें विश्वास नहीं था। कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस के NGO के तार कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने गैर कानूनी फंडिंग को रोकने के लिए कई NGO को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था, जिसका मतलब ये था कि ये NGO गैर कानूनी तरीके से भारत में अलग अलग संस्थाओं को फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए इसे वॉच लिस्ट में डाला गया, जिसके बाद कोई भी फंडिंग बिना भारत सरकार की मंजूरी के रिलीज नहीं हो पाएगी। जिस NGO को जॉर्ज सोरोस की संस्था फंडिंग करती थी, इस पर विराम लगने के बाद सोरोस की टीम ने कई और तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, जिसका काम ही विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का विरोध करना था। आपको बता दें कि अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए 1999 में भारतीय संस्थानों में अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की पेशकश करके भारत में अपने पांव पसारना शुरू किया था, जिसके बाद परोपकारी गतिविधियों को चलाने के नाम पर सोरोस के नेतृत्व में वामपंथी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के भीतर सक्रिय भारत विरोधी तत्वों को समर्थन देकर देश भर में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जॉर्ज सोरोस ने समय समय पर भारत में सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, अ मैन हु इज नोन एंड डेजिग्नेटेड सो बाय अ नेशन as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. As you all know, George Soros, an international entrepreneur who hedges bets against many countries, has now declared his ill intentions to intervene in the democratic processes of India. अब ऐसे संगठनों और परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, ये देश की मोदी सरकार बखूबी जानती है। हंगरी में पैदा होकर अमेरिकी नागरिक बने जॉर्ज बेशक अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वे अक्सर विवादों में ही रहे हैं, क्योंकि उन पर कुछ देशों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए साजिश रचने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। इसलिए जब अमेरिका के एक सार्वजनिक मंच से मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया तो देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बेहद गंभीरता से उसी अंदाज में जवाब दिया जिसके लायक जॉर्ज सोरोस थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।